का पिंड जो स्पेस से गिरा था वो है यहाँ पर। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि ये मैं तारामंडल में आया हुआ हूँ जो बिहार पटना में है, क्योंकि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ पे काफ़ी लाइटिंग हुई है तारामंडल में। तो जब देखा अच्छे से तो दिखा कि रेनोवेट किया गया है, पहले से मतलब दिखने में था, उसको डेवलप किया गया है, उसको डिज़ाइन वगैरह थोड़ा चेंज किया गया है। तो मैं देखता हूँ अंदर चल के, यहाँ गार्ड साहब से मैंने बात किया तो गार्ड साहब ने बताया कि अभी उद्घाटन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पे, उद्घाटन जस्ट हुआ है। तो मैं सोचा कि आप सबको दिखाता हूँ कि कुछ किस टाइप का बदलाव आया है हमारे तारामंडल में, बिहार पटना में। तो उसमें अंदर चल के आपको मैं, आप थोड़ा बहुत जो हो सकता है यहाँ पॉसिबल है मैं आप सबको दिखाता हूँ। बने रहें मेरे वीडियो में। अगर नए हैं चैनल पर तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें फ्रेंड्स। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते और अंदर चलते हैं, अंदर एक्सप्लोर करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पहले से ये तारामंडल लग रहा है। यहाँ पे देखिए श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पे स्वागतम, उनका यहाँ पे स्वागत किया गया था और यहाँ पे कुछ इस टाइप का यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। और कितना सुंदर लग रहा है रात को यहाँ लाइटिंग। 10 तारीख से गार्ड जी ने बताया कि यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा शो, अभी आप आके यहाँ पे देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो अंदर में कुछ इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये देखिए रात में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि पहले से बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। पहले लोग जानते भी नहीं थे कि क्या, कितना लोग तो जानते भी नहीं थे, सही बात है, तारामंडल में क्या है नहीं है। थक गया हूँ फ्रेंड्स आज, पता है एक ही दिन मैंने 3-3 ब्लॉग लपेट लिया है। देखिए कुछ इस टाइप का काफ़ी सुंदर लग रहा है। रोड से मैं देखा तो सोचा कि क्यों ना आपको दिखाऊँ। यहाँ पे मतलब आपको जो जियोग्राफिकल स्पेस के बारे में जो चीज़ें होती हैं उन सबको यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है कि कैसा है, क्या है वायु के बारे में। और ये सब देख सकते हैं प्लांटेशन वगैरह कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे तारामंडल, रेड कारपेट वगैरह लगा था। देखिए स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में यहाँ पे होता है, जूम करता हूँ दिखाता हूँ आपको। देखिए और कुछ इस टाइप का यहाँ पे लोग फोटोशूट वगैरह भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी बैनर वगैरह लगाया गया है, भवन निर्माण विभाग के मंत्री जो है उनका भी पोस्टर है। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का प्रवेश द्वार है, यहाँ पे दो टाइप का प्रवेश द्वार बनाया गया जो स्टार्ट हो जाएगा 1-2 करके। और बाहर में कुछ इस टाइप का मतलब फूल वगैरह माला से सजाया गया था और ऊपर देख सकते हैं पूरा ग्लास वगैरह का काम किया गया है। काफ़ी पटना भी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होता जा रहा है। तो देखता हूँ ऑटोमेटिक डोर भी लग गया, ये देखिए कुछ इस टाइप का है। उधर से शो दिखाया जाता है, मतलब ऊपर जाया जाता है, वो रास्ता आप सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है गाइस। देखिए ये एग्जीबिशन एरिया जो स्टार्टिंग में है, कुछ दुकानें हैं, मतलब जो पटना म्यूजियम है ना उसी टाइप का कुछ नया लग रहा है। और कार्बन फाइबर ये सब किस चीज़ का उपयोग किया गया, पहले देखिए कुछ इस टाइप का था तारामंडल जो कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया, ये सब चीज़ें हैं। सारी चीज़ की टेस्टिंग की गई अलग अलग तरीके की। और यहाँ पे देखिए कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं कि पहले कुछ इस टाइप का था पूर्व निवास के बाद, ये सब पहले ऐसा था और अब ऐसा हो चुका है। ये सब कुछ फोटोज़ लगाए गए हैं लोगों के लिए देखने के लिए। तो ये कभी जब स्टार्ट होगा ना तो मैं आऊँगा फिर से और आप सबको एक्सप्लोर करूँगा कि क्या ये कुछ इस टाइप का ऑडिटोरियम वगैरह एरिया है। ये साइड मतलब ऑडिटोरियम भी बना दिया गया है, अगर कोई यहाँ पर होता है, यहाँ पर VIP एंट्री के लिए ऑडिटोरियम बना दिया गया है। अगर कुछ भाषण वगैरह, जैसे अभी नीतीश कुमार जी आए थे यहाँ पे तो अपना वो भाषण वगैरह दिए। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है कुछ इस टाइप का। तो
तो यहाँ पे ये लोग गाइस आप देखें कि मतलब यहाँ पे काम किए हैं, ये लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे, मतलब कंस्ट्रक्टर लोग हैं, कुछ इंजीनियर्स लोग हैं यहाँ पे देख सकते हैं। अरे ये तो गाइस लग रहा है ना मटर गश्ती जो है भैया यहाँ पे साहेब भैया हमको मिल गए हैं, इनका चैनल तो हम भी देखते हैं गाइस। तो गाइस साहेब भैया भी यहाँ पे मिल गए थे, इनका मटर गश्ती करके चैनल है, आप लोग तो जानते ही होंगे इनको। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जाने के लिए इधर कुछ सीढ़ियाँ है स्ट्रक्चर, और अलग टाइप का मतलब सब टाइप का रूम है यहाँ पे, गोल बना हुआ है, गोल घर जैसा, गोल मतलब स्ट्रक्चर है। आई थिंक ऊपर चल के देखता हूँ फ्रेंड्स, अगर अलाउ होता है तो ऊपर चढ़ के देखता हूँ क्या है। लोग यहाँ पे काम किए हैं, कितने दिन से कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग तो इसमें 2-3 महीने से कर रहे हैं। 2-3 महीने से जी। कब से चल रहा है ये काम? तो अभी एक साल से कम ही चला, मतलब 8-9 महीने चल रहा था ये। हाँ एक साल का दिया था इसको बनाने के लिए, मतलब कम दिन में बन गया ये। हाँ जी उद्घाटन हुआ है, नीतीश कुमार आए हुए थे। उद्घाटन हुआ, कब से शुरू हो जाएगा ये? ये अब तो 7-9 महीना तक का दिया था इसका। 10 तारीख से कुछ शुरू हो जाएगा, अगले महीने 15 से चालू हो जाएगा। अगले महीने 15 से बोला कंफर्म है चालू हो जाएगा। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग तो सुपौल जिला के। हाँ सुपौल जिला के। सुपौल जिला के मतलब अब तो बन गया, तो अब चले जाइएगा आप लोग? हम चले जाएंगे अभी, है थोड़ा बहुत इसमें काम चलना बचा हुआ है, तो उसके लिए 1-2 महीना और रहना पड़ेगा उसके बाद। अच्छा ठीक है, धन्यवाद आपका बताने के लिए, हमारे कुछ समय बिताने के लिए। इसी भी तारामंडल में हम जॉब करते हैं। अच्छा आप यहाँ पे जॉब करते हैं? अच्छा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये उद्घाटन हुआ है आज तो मुख्यमंत्री जी द्वारा, ये कब से शुरुआत होने वाला है? वो अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है, डेट फाइनल नहीं हुआ है, मतलब अभी यही सब चीज़ें जो हो रही थी, मतलब यही सब मतलब चल रहा है ना अभी, अपडेट ऑपरेशन वगैरह डेट आएगा, अभी अपडेट वगैरह आएगा जी। ठीक है थैंक यू। जिस टाइप का मतलब ऊपर जाने का रास्ता है, फूल लगा हुआ है, मैं देखता हूँ ऊपर चल के अगर कुछ रहता है तो आपको दिखाता हूँ। उस टाइप का मतलब फूल माला लगा हुआ है, पहले से मॉडर्न टाइप हो गया है थोड़ा। ये देखिए सोलर सिस्टम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, बैनर वगैरह लगा हुआ है, गैलेक्सी मतलब इसी चीज़ के बारे में प्रोजेक्टिव के द्वारा हम लोग को जानकारी दी जाती है तारामंडल के अंदर बेसिकली। यहाँ पे कुछ फिजिक्स के बारे में भी, डॉपलर इफेक्ट हो गया आपको इस टाइप का, मतलब साइंस सेंटर जो था ना हमारा पटना में उसी जैसा कुछ लग रहा है, जबकि एक साइंस सिटी बनने वाला है, जो मेरी वीडियो के एक शुरुआत में वीडियो थी वो न्यू कोलकाता बेस्ड बनने वाला है। और ये सब देख सकते हैं टेलीस्कोप वगैरह, ये क्या है रुकिए देखते हैं, अगर यहाँ पे लिखा रहता है क्या लिखा है, टर्न टेबल, इसी के थ्रू है ना फ्रेंड्स बेसिकली, ये प्रोजेक्टर टाइप का है, इसको ऊपर सीलिंग में करके कुछ इस टाइप से आपको वीडियो दिखाई जाती है। तो उसी चीज़ का ये मशीन था जो पहले यहाँ पे यूज्ड होता था, ये सब रील वगैरह हो गई, टेप रिकॉर्डर है जो कि यहाँ पे पहले इसी रिकॉर्डिंग इसमें हुआ करती थी, इस चीज़ से वीडियो प्ले किया जाता था पहले। और एस्ट्रोविजन नॉन रिवाइल रील है, ये रील है मतलब इतनी बड़ी ऐसी, अब तो छोटी छोटी काफ़ी सारी रीलें आ रही हैं मॉडर्न ज़माने में। यहाँ पे कुछ है आकाशगंगा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भी लिखा गया है यहाँ पे, दिया गया है। यहाँ पे आप आ सकते हैं एक बार ज़रूर देखिए, पहले से ज़्यादा ये एडवांस हो चुका है, पहले इतना कुछ नहीं था तारामंडल में, अभी भी ये काम प्रगति पर है लेकिन आज उद्घाटन हो चुका है, तो मतलब जो भी हल्का फुल्का है वो कुछ दिनों में कम्प्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए ग्रेविटेशनल लेंस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, साइंस के बारे में भी यहाँ पे नॉलेज दिया जा रहा है। ये कुछ सन के बारे में है, काफ़ी मतलब बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स। यहाँ ये देखिए, मुझे लगा ये कौन बैठा हुआ है फ्रेंड्स, चंद्रशेखर जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है, चंद्रशेखर सीमा के तारे के बारे में ये बताती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इनके द्वारा ये फार्मूला दिया गया था, उनका ये बनाया गया है यहाँ स्मारक वगैरह के, जो कोर व मेंटल होता है ना, क्रस्ट होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है।
सोलर सिस्टम। और ये देखिए क्या है, विग्रो, ये सब मतलब कर रेखा वो सब जो होता है ना कुछ है आई थिंक। प्रेस करके देखूं क्या कोई है तो नहीं। देखिए वो घूमने लगा फ्रेंड्स वहाँ मशीन, मतलब मैं करूँगा नहीं क्योंकि यहाँ देख सकते हैं अलग अलग बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, लियो रेखा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटियोर वगैरह, मतलब पूरे प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में यहाँ पे तारामंडल में चीज़ें दी गई है। और ये वाव फ्रेंड्स, ये देखिए ये मतलब एस्ट्रॉइड क्या है, महादेव की रचना के प्रमुख तत्व, ये सब तत्व मिले गए हैं, वो शीशा के अंदर करके रखा गया है। उल्का पिंड जो हुआ था ना, वो मधुबनी में गिरा था, वो है ये उल्का पिंड फ्रेंड्स। उल्का पिंड जो स्पेस से गिरा था वो है यहाँ पे। इसी टाइप का कुछ था तारामंडल जो अभी इनॉग्रेट हुआ है, तो इतना कुछ है इसके अंदर। मतलब मेन जो शो है, दरवाज़ा बंद है, यहाँ देखिए इसके अंदर शो चलेगा जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तब। और ये सब टेलीस्कोप का जॉर्नी है कि मतलब पहले टेलीस्कोप कैसा था, मतलब ये देखिए पुराना जो टेलीस्कोप हुआ करता था वो पुराना टेलीस्कोप है। मैं फ्लैश ऑन कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ अंधेरा हो गया। लाइटिंग वगैरह भी कहीं काम कर रही है, कहीं नहीं कर रही है, अभी मेन बना है ना इसीलिए। सब राम यंत्र जो मतलब धूप से, ये दिल्ली में है, ये आपको जंतर मंतर हो गया दिल्ली का, ये सब का मॉडल बना दिया गया, इन सब चीज़ों की मॉडल बनाई गई है। सम्राट यंत्र ये सब देख सकते हैं आप, जौल चक्र यंत्र तो पानी वगैरह का निकलता था उस टाइप का है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। रोटेशन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के बताना पड़ेगा गाइस, मैं देख लेता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज कर। गैलीलियो का मामला, मतलब ये सब हम हमारे विज्ञान के बुक में पढ़ते हैं ये सब चीज़ें। हर्शल की विशाल दूरबीन, ये पहले इतनी बड़ी दूरबीन हुआ करती थी जो इस टाइप से कुछ देखा जाता था। हर साइंस की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब के द्वारा जो टेलीस्कोप बनाई गई थी उसका ये मॉडल है फ्रेंड्स। देखिए कुछ इस टाइप का टेलीस्कोप हुआ करता था पहले। सैटेलाइट द्वारा जो हमारे इंडिया के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये सब है विक्रम लैंडर है, ये कुछ इस टाइप का सैटेलाइट है हमारा जो कि चाँद पर भेजा गया था। देखिए चाँद का भी मॉडल बना दिया गया है, सोलर सिस्टम में ये सब चीज़ें घूम रही है मतलब, और इन्फॉर्मेशन वगैरह आती रहती है ये सब चीज़ें। ये आपको आदित्य L1 है ये सैटेलाइट का नाम, पर इसके बारे में भी दिया गया। और ये विक्रम लैंडर के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस इतना कुछ था ऊपर में जो कि आपने देखा, तारामंडल कितने बढ़िया हो गया पहले से। तो चलिए मैं नीचे जा रहा हूँ, इन लोगों के द्वारा मतलब इन लोग के मेहनत के कारण गाइस, हम सब तो यहाँ आके देखते हैं लेकिन सबसे बड़ा इन लोग का योगदान होता है यहाँ पे, ये सब स्ट्रक्चर में बनाने में इन लोग का मेहनत है, इन लोगों का। तो गाइस इस वीडियो में कुछ इतना ही था, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ऐसा था कुछ तारामंडल जो आप सबने देखा, एक बार आके अगर आप पढ़ने से हैं तो ज़रूर एक बार आकर देखें। तो मिलते हैं दूसरे नई वीडियो में नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।